एसएपी में हम कस्टमर का लेजर कैसे देखते हैं, तो ट्रांजैक्शन बॉक्स में आपको FBL5N लिखना है, जो ट्रांजैक्शन कोड है लेजर देखने का, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको कस्टमर अकाउंट में जो है हर कस्टमर का कंपनी जो है एक क्रिएट करके रखती है, वो कोड डालना है। तो जैसे हमने एक ये कोड दे दिया कस्टमर का कोड, फिर आपको अपना कंपनी का कोड लिखना है। फिर यहाँ पे आप डाटा तीन तरह से देख सकते हैं, ओपन आइटम के थ्रू जिसमें पेंडिंग का डाटा होता है, क्लियर में जो क्लोज डाटा होता है, और ऑल आइटम में स्टार्ट से लेके कस्टमर का टिल डेट तक, करेंट डेट तक जो भी डाटा होता है वो आप देख सकते हैं। तो ओपन आइटम ले लिया, फिर आपको एग्जीक्यूट या F8 की दबाना है, ये हमने दिखा दिया। ये देखिए आपको डिस्प्ले हो गया, कस्टमर का नाम आ गया, कंपनी कोड आ गया, पूरा डाटा है जो सारे लाइन आइटम वाइज है। तो इस तरह से आप कस्टमर का लेजर डिस्प्ले करके देख सकते हैं।